दोस्तों, मेरा नाम है जमाल खान और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। और दोस्तों, ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 2015 का मॉडल है और ये कार का जो है क्लच फेल हो गया है, यानी इसके जो गियरबॉक्स के अंदर जो सिलेंडर लगा होता है वो लीकेज हो गया है। तो ख़राब वाला जो सिलेंडर है जो लीकेज हो गया, उस सिलेंडर को भी बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, अक्सर महिंद्रा की गाड़ियों में और महिंद्रा के अलावा भी जो भी और गाड़ियां हैं जिनके अंदर गियरबॉक्स के अंदर सिलेंडर दिया हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, चलिए बताता हूं आपको। सबसे पहले इसका गेट ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इसका अभी अंदर की साइड में आ गए हैं, यहां पर इसका क्लच पैडल आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ बैठ गया है और इसको ऐसे हाथ से उठाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही इसको दबाएंगे, तो ये नीचे बैठा रह जा रहा है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों कि इसका जो अंदर वाला जो सिलेंडर है जो गियर बॉक्स के अंदर लगा होता है, तो जब वो लीकेज हो जाता है या कोई भी क्लच ऑयल वाला जो लाइन है, पाइपलाइन जो होती है, अगर वो लीकेज हो जाती है या ऊपर वाला सिलेंडर भी ख़राब हो जाता है, तो मतलब कहीं से भी अगर प्रेशर रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो पैडल जो है वो बैठ जाता है। तो इसमें भी सेम यही कंडीशन हुई है। और इसमें क्या हुआ है, गियर बॉक्स के अंदर जो क्लच बैरिंग जो होता है, वो पूरा कंप्लीट स्लैब सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर लीकेज हो गया है और इसीलिए ये पैडल जो है वो नीचे बैठ गया है। तो चलिए आपको पहले नीचे से भी दिखा दूँ गियर बॉक्स की तरफ से। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के नीचे की साइड में और ये सामने की तरफ इसका गियर बॉक्स का जो हाउसिंग है, थोड़ा पास से दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये जो हाउसिंग आपको दिख रहा है, तो हाउसिंग में आपको यहाँ से ऑयल निकलता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से ये हाउसिंग का जो जॉइंट है, तो जॉइंट के पास से यहाँ से जो क्लच ऑयल है वो यहाँ पर ये पूरा बहकर यहाँ पर आ गया है। और ये मैं अपने हाथ पर लेकर दिखा रहा हूँ, अपनी उंगली पर। तो ये क्लच ऑयल है और क्लच ऑयल जो है, क्योंकि इसलिए आ गया, इसका सिलेंडर अंदर से लीकेज हो गया है। और सिलेंडर लीक होने के बाद में क्या होता है, जब क्लच ऑयल बाहर निकल जाता है तो उसका प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है, और प्रेशर ख़त्म होता है तभी क्लच पैडल जो है वो डाउन हो जाता है। और इसके लिए हमें ये गेयरबॉक्स खोलना पड़ेगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, ये इसका पूरा गेयरबॉक्स है, ये पूरा खोल कर बाहर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर इंजन की साइड में आपको दिखा दूँ, ये डिब्बी इसकी, ये ब्रेक ऑयल वाली है, ब्रेक वाली, और इस डिब्बी के अंदर होता है इसका क्लच ऑयल। तो क्लच ऑयल जो है दोस्तों पूरा खाली हो गया है ये आपको, और इसका ढक्कन खोल कर अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस डिब्बी के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़रा भी क्लच ऑयल नहीं बचा है, क्योंकि सारा लीकेज हो गया था, सारा निकल गया था। तो कभी भी अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है, महिंद्रा की आपकी कोई सी भी गाड़ी रहे या अदर और भी गाड़ियों में सिलेंडर आ रहे हैं, तो जैसे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो, XUV, ज़ायलो, बोलेरो, महिंद्रा TUV और भी अदर गाड़ी स्विफ्ट वगैरह में भी आ रहा है, तो ये इस तरह का कभी भी अगर आपको चलती गाड़ी पर अगर ऐसा हो जाता है कि क्लच पैडल अचानक डाउन हो जाता है, तो समझ जाने का हमारा कहीं ना कहीं से क्लच का प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो गया है, क्लच हमारा लीक हो गया है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और गियरबॉक्स उतारने के टाइम पे दोस्तों एक बात का ये भी ध्यान देना होता है, ध्यान रखें खास करके महिंद्रा स्कॉर्पियो में, S10, S6 प्लस में, ये वाला जो हॉर्स पाइप है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दोनों साइड में क्लिप लगे होते हैं। तो ये या तो ये क्लिप हटाकर इसको आप निकाल लें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, जब गियरबॉक्स उतार लेते हैं तो इंजन पीछे को डाउन हो जाता है, और जब गियरबॉक्स लगाएंगे तो गियरबॉक्स लगाने के टाइम पे क्या होता है, इंजन पूरा पीछे को डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये प्लास्टिक वाली जो एल्बो है, ये जो आपको दिख रही है, ये एल्बो प्लास्टिक की है और रेडिएटर में जॉइंट होती है, तो ये अचानक चटक जाती है इंजन पीछे झुकने की वजह से। तो ये एक बार एल्बो टूट गई तो पूरा रेडिएटर चेंज कराना पड़ता है, और रेडिएटर करीब 10,000 रुपये का आता है इसका। तो इसलिए हम इसकी एल्बो को यहाँ से खोल रहे हैं, 10 नंबर के जो बोल्ट लगे होते हैं चारों, ये बोल्ट खोल देंगे और इसका वाल्व भी हम चेक कर लेंगे, थर्मोस्टेट वाल्व जो है, और नीचे एक साइड में कोई भी तसला या परात लगा लें, ताकि जो कूलेंट जो गिरेगा वो आपके बर्तन में इसमें आ जाएगा। तो हमने यहाँ से खोल दिया है इसको, और यहाँ से खोलने के बाद में इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो भी चेक कर लेंगे, उसको भी साफ़ करके लगा देंगे। ये इसका थर्मोस्टेट वाल्व है, तो इस पर भी काफ़ी जंग आ गई है, इसको हम साफ़ करके अच्छे से और फिर इसमें बाद में लगवा देंगे। अब ये फ्री हो गया है, तो इंजन कितना भी डाउन हो तो यहाँ से ये एल्बो टूटने का टेंशन ख़त्म हो गया, उसके बाद ही गियरबॉक्स खोलेंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो में खास करके। और फाइनली जो है दोस्तों, गियरबॉक्स को हमने बाहर निकाल लिया है, और ये इसका गियरबॉक्स है स्कॉर्पियो का। और दोस्तों, ये गियरबॉक्स स्कॉर्पियो S6, स्कॉर्पियो S8 और स्कॉर्पियो S10 में आता है, और ये इसका स्लैब सिलेंडर है, क्लच बैरिंग भी जो कहलाता है। तो ये अक्सर लीकेज हो जाता है ज़्यादातर,
और ये लीकेज होने के बाद में ही क्लच जो है वो फेल हो जाता है। और इस हाउजिंग के अंदर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयल है और ये इसका क्लच बैरिंग है पूरा कंप्लीट स्लिप सिलेंडर। तो स्लिप सिलेंडर अक्सर ये लीकेज हो जाता है, 3 साल 4 साल चलने के बाद में अक्सर ये लीकेज हो जाता है। और ये इसका क्लच मास्टर सिलेंडर है, तो ये गाड़ी क्योंकि 2015 का मॉडल है और ये क्लच मास्टर सिलेंडर इसका गाड़ी के साथ का है, यानी अभी सन 2023 चालू हो गई तो यानी 8वीं साल लग गई इसको। और अभी ये दोनों सिलेंडर हमने खोल कर बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लच मास्टर सिलेंडर भी हमने खोल दिया है और इसका जो है स्लिप सिलेंडर जो है स्लिप सिलेंडर भी हमने खोल कर बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर रखा हुआ है ये। तो लीकेज यही वाला हुआ था, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लीकेज हो गया था, ये गियर बॉक्स के अंदर की साइड में लगता है। और ये इसका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है, तो क्लच प्लेट जो है वो भी दोस्तों करीब करीब 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इसके ग्रिप जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसको बदलना पड़ेगा और इसकी प्रेशर प्लेट जो है उसके फिंगर भी हार्ड हो गए हैं। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं दोस्तों हमने नया मंगवा लिया है और सभी हमने महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट यूज़ किया है। सबसे पहले दिखा दें आपको यहाँ पर, ये है इसका क्लच मास्टर सिलेंडर जो कि ये भी हमने महिंद्रा का मंगवाया है, तो ये ओरिजिनल महिंद्रा का मंगा लिया। और ये है इसका क्लच बैरिंग स्लिप सिलेंडर जो कहलाता है। तो अक्सर जब भी कभी क्लच में लीकेज होता है तो यही सबसे ज़्यादा लीकेज होता है, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, मैराजो हो, कोई सी भी गाड़ी हो, TUV या आपकी स्कॉर्पियो, कोई सी भी हो, जाइलो वगैरह सब में आता है ये, तो ये अक्सर लीकेज हो जाता है। और दोस्तों ये इसके क्लच प्लेट हैं, तो ये सभी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगा ली हैं और इनके पार्ट नंबर भी आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर। ये इसका डिब्बा है जिस डिब्बे के अंदर ये बॉक्स के अंदर आई है, तो यहाँ पर इसकी MRP प्राइस और इसका पार्ट नंबर सब लिखा हुआ है महिंद्रा का। तो इस डिब्बे के अंदर क्लच प्लेट आई है और बराबर में रखी हुई है, ये डिब्बे के अंदर आई है इसकी प्रेशर प्लेट जो कि ये लोहे की होती है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें ये इसकी प्रेशर प्लेट है, ये भी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगाई है क्योंकि पूरा सेट ही क्लच, जब भी कभी क्लच ख़राब होता है तो पूरा सेट बदलने में ही फ़ायदा है, तभी क्लच में मज़ा भी आता है और गाड़ी ठीक से चल के देती है। तो यहाँ पर इसका ये महिंद्रा का पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल सभी पार्ट हमने महिंद्रा का मंगाया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं डिब्बे भी सारे महिंद्रा के हैं और इसका पार्ट नंबर, इसकी MRP प्राइस वो सभी आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी, क्योंकि आप लोग बाद में पूछते हो कि सर आपने खर्चा तो बताया नहीं, आप यहाँ से सबकी MRP टोटल करते जाना कि कितना कितना इसकी MRP है, क्या है, सब आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी खर्चे की अगर बात करें तो क्लच का जो खर्चा आता है लगभग लगभग 15,000 से ऊपर का ही आता है सारा खर्चा, क्योंकि इसका जो सामान जो है, जो भी पार्ट्स जो है वो सारा 15,000 से ऊपर का ही आता है ये सभी। और ये स्लिप सिलेंडर की MRP है, जो क्लच बैरिंग जो अंदर जो लीकेज हुआ था ये उसका डिब्बा है और उस डिब्बे की MRP इस पर लिखी हुई है। और बाकी इसका डिब्बा जो है दोस्तों वो अभी फट गया था, क्योंकि हमने ये ट्रांसपोर्ट से जो मंगाया था, हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है बरेली, तो आने के टाइम पे डिब्बा इसका फट गया था, तो उसकी MRP जो है वो मिट गई थी, तो वो इसलिए हम इसकी MRP नहीं। लेकिन हाँ ये भी लगभग लगभग 2900 कुछ रुपए का आता है ये भी। तो ये सभी पार्ट हमने महिंद्रा के मंगवा लिए हैं और अभी हम गाड़ी में इसको फिटिंग करवाएंगे सभी पार्ट। और दोस्तों अभी हमने इसका जो क्लच सेट जो है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ये वाला सेट हमने यहाँ पर लगवा दिया है और इसको हम फिटिंग करवा रहे हैं। और इसका सेंटर जो है दोस्तों वो मिलाना होता है, तो अगर आपके पास में इसका टॉप गियर नहीं है क्लच प्लेट का सेंटर मिलाने के लिए, तो इस तरह के जो साइड में जो खांचे जो खुले हुए हैं यहाँ से भी आप देखकर इसे मिला सकते हैं। तीनों तरफ बराबर रखना होता है, इस तरफ भी और बाकी के दो साइड और खुले हुए हैं तो उन साइड में भी बिल्कुल बराबर रखना है, ये इस तरफ भी और ये इस तरफ से, तो अंदाजे से भी आप इसका सेंटर मिला सकते हैं। तीनों तरफ बराबर होना चाहिए क्लच प्लेट, कहीं भी एक साइड में ज़्यादा नहीं भागे। और ये इसका स्लिप सिलेंडर है जो गियर बॉक्स के हाउसिंग में हमने नया वाला लगवा दिया है और उसका लॉक भी ठीक तरीके से लगा दिया है और ये 2 बोल्टों पर होता है, तो 13 नंबर के दोनों बोल्टों पर होता है, लगा दिया हमने। और ये इसका क्लच मास्टर सिलेंडर है नया वाला, तो इसको भी हम फिटिंग करवा रहे हैं। और ये सभी सिलेंडर यानी क्लच मास्टर सिलेंडर, स्लिप सिलेंडर, क्लच बैरिंग सॉरी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सभी पार्ट हमने लगवा दिए। और ये इसका हाउसिंग है गियर बॉक्स, तो हाउसिंग साफ कर लिया और गियर बॉक्स पूरा हम अंदर अभी लगवा रहे हैं गाड़ी में। और दोस्तों फाइनली जो है गियर बॉक्स हमने लगवा दिया है। गियर बॉक्स लगवाने के बाद में गाड़ी हमारी अभी लगभग लगभग रेडी हो चुकी है और उसकी लीवर की भी सभी फिटिंग हमने अच्छे तरीके से करवा दी है, जैसा कि आपको खोलकर दिखाई थी।
और क्लच की जो एयर जो है वो भी निकालना होती है। तो क्लच सब कंप्लीट करने के बाद में इस तरह से आप हाथ से पैडल को चलाएंगे और इसमें जो स्लेप सिलेंडर में जो गियर बॉक्स पे जो निपल लगी होती है उसको नोजल को लूज कर देंगे और इस तरह से हाथ से पैडल चलाएंगे कंटिन्यू, तो वो एयर निकलने लगती है। एयर हमने निकाल दी है और पैडल आप देख सकते हैं अभी जैसे ही हम इसको दबाकर और छोड़ रहे हैं तो वापस ऊपर आ रहा है। और पहले क्या हुआ था, ये लीकेज हो गया था तो पैडल नीचे ही रह जा रहा था, लेकिन अभी जैसे ही पैडल को दबा के छोड़ रहे हैं तो पैडल वापस ऊपर अपने आप आ रहा है। देखो ये इस तरह से, क्योंकि अभी सबका ये पूरा सेट हमने नया डाल दिया तो अभी इसमें प्रेशर जो है इसका बढ़िया आ गया और क्लच जो है एकदम बढ़िया काम करेगा अभी ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके भी, अभी इसके जो गियर हैं एयर निकालने के बाद में इसके गियर जो हैं बहुत आसानी से पड़ना चाहिए, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी। तो दोस्तों फाइनली ये गाड़ी हमने बिल्कुल रेडी कर दी है, इसका क्लच सेट वगैरह और क्लच सिलेंडर स्लिप सिलेंडर सभी लगा दिए इसमें और ये गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम स्टार्ट करके इसके जो गियर हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। तो ये गाड़ी को अभी हमने स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको दिखा दें, ये इसका क्लच पैडल है ये। तो क्लच पैडल को प्रेस करने के बाद में और ये इसके गियर हैं गियर लीवर। तो गियर लीवर से जब हम सभी गियर लगा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये रिवर्स, तो सारे गियर बड़े ही आसानी से आ रहे हैं और क्लच जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है अभी। तो इस गाड़ी की हम ट्रायल पे भी जाएंगे और फिलहाल क्योंकि गाड़ी के जब हम क्लच का काम करते हैं, क्लच का काम करने के बाद क्लच की एयर निकाल के और गियर को चेक करना होता है, गियर जो है सब आसानी से आना चाहिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बहुत ही नरम पड़ रहे हैं सारे गियर, आसानी से आ रहे हैं सारे गियर। तो यानी क्लच का काम जो है हमारा बिल्कुल बढ़िया हो चुका है और ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो S10 है। तो दोस्तों अभी हम इस गाड़ी की ट्रायल पे हैं और गाड़ी जो है बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, इसका हमने क्लच का काम किया था और क्लच का काम हो गया एकदम बढ़िया, गाड़ी बहुत मस्त पिकअप ले रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।